नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। यस दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करेंगे, वो हमारा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा हम लोग कंपनी के यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स पे बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आप यहाँ पे स्टॉक में निवेश किए हो तो। दोस्तों ये दो मुद्दों पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अब तक अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज देखें तो यस बैंक राइजेस ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन जून क्वार्टर, तो यानी कि जो पिछला महीने का महीना था उसमें अच्छी खासी लोन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी है, दर्ज किया। दोस्तों अगर हम लोग न्यूज डिटेल में देखें तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी, यहाँ पे बात हो रही है यस बैंक की, तो इनकी जो लोन बुक है वो ग्री हुई है 14% से ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है वो हुई है यहाँ पे इसकी 14%। और अगर हम लोग बात करें इसकी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे 3.1% की ग्रोथ दर्ज की है। तो दोनों साइड पे यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज कंपनी के लिए निकल के आ रही है। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों तो डिपॉजिट भी कंपनी की यहाँ पे ग्रो हुई है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है, क्योंकि डिपॉजिट आप देख सकते हो 18.3% का ईयर ऑन ईयर बेस पे डिपॉजिट यहाँ पे बढ़ा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है तो उनका यहाँ पे विश्वास बढ़ रहा है। ये क्लियरली हम लोग न्यूज या फिर जो है जिस हिसाब से आंकड़े दिखा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, जो हमारा इस वीडियो का दूसरा यहाँ पे मुद्दा रहने वाला है। दोस्तों अगर हम लोग टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो एक यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक गया था 12 रुपए के रेंज पे। एग्जैक्टली मैं लेवल बताऊं तो इसका लेवल निकल के आता है लगभग 12 रुपए 10 पैसे से लेके 12 रुपए 30 पैसा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक गया था लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, तो देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से नीचे जो है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके नीचे नहीं जाने दे रहे, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत चार्ट लेवल पे आ रहा है। और ना कि अभी लेकिन पिछले इस साल 2-3 बार और यहाँ पे पिछले साल भी 2 बार यहाँ पे इस लेवल के नीचे गया नहीं है, तो ये करंट लेवल पे पॉजिटिव स्टॉक में निकल के आ रहा है। दोस्तों करंट लेवल से बात करें तो करंट लेवल से स्टॉक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि अप्रैल के बाद अच्छा खासा मूव आया था जो 31% की राइज दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया कंसोलिडेशन का, जिसके लेवल में बताऊँ तो 12 रुपए 10 पैसे से लेके 12 रुपए जो 30 पैसे निकल के आ रही है। तो इस जोन में जब भी स्टॉक जाता है तो बायर्स एक्टिवेट होके पुल कर लेते हैं स्टॉक को ऊपर के दौर, और इस लेवल के नीचे नहीं जाता है स्टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट कर लीजिए अगर आप यहाँ पे बहुत ही रिस्की एग्रेसिव टाइप के निवेशक है और आपको यस बैंक में निवेश करने की इच्छा है, तो ये लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस कर लीजिए। इस लेवल के आसपास अगर स्टॉक पहुंचता है तो यहाँ पे आप जो है डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ रिस्की और यहाँ पे एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो करंट लेवल पे हमने जैसे देखा कि स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा और उसके बाद नीचे इसका लेवल न तोड़ते हुए और एक निचला लेवल लगाने की कोशिश की, लेकिन ये जो है इस लेवल से ऊपर था, यानी कि हायर लोस बनाने की अभी स्टॉक कोशिश कर रहा है। तो मे बी अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और इस लेवल को जो कि करंट लेवल आती है 12 रुपए 60 पैसे के आसपास, तो इसके नीचे नहीं जाता है तो अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट लेवल पे हमें वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा कि दोस्तों अगर आप जो है कंजर्वेटिव टाइप के निवेशक हैं, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं है तो आप फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहिए, करंटली कोई भी एक्शन मत लीजिए। लेकिन अगर आप रिस्की टाइप के निवेशक है, अगर आप एग्रेसिव टाइप के निवेशक है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एज वेल एज ये मेरी पूरी हॉनेस्ट और जेन्यून जो है यहाँ पे आपको सलाह है एज अ कंजर्वेटिव या फिर अगर आप सेफ निवेशक है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।